नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। पाकिस्तान की पारी का रोमांच। इससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय टीम को जीत के लिए 163 रनों का लक्ष्य दिया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने असहाय नजर आए। शोएब मलिक 43 और बाबर आजम 47 को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज टिक करके सामना नहीं कर पाया। भारतीय टीम ने पूरी टीम को 43.1 ओवरों में 162 रन पर ही सिमट दिया। वहीं भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार और केदार यादव ने 3-3 विकेट छटके, जबकि जसप्रीत बुमराह को 2 विकेट मिला। एक विकेट कुलदीप जाधव के खाते में आया। आपको बता दें कि भारत ने बुधवार को खेले गए एशिया के ग्रुप ए के दूसरे मैच में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी है। इसी के साथ भारत ने 2017 ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी फाइनल में मिली बड़ी हार का बदला भी ले लिया है। पाकिस्तान को भारत ने सिर्फ 162 के स्कोर पर ही ढेर कर दिया और फिर 29 ओवर में ही 163 का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने आक्रामक अर्धशतक मारा। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा 52 रन बनाए। उन्होंने 6 चौके और 3 शानदार छक्के जड़े। रोहित के बाद में ओपनर शिखर धवन ने 46 रनों की पारी खेली। धवन ने 6 चौके और 1 छक्का मारा। दिनेश कार्तिक और अंबाती रायडू 31-31 रन बना करके नाबाद रहे। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।